Hello everyone, this is the second video for the seated December 2019. Seated December 2019, and this is the part two of the video. And uh, here I'll be discussing the science portion. So let's start with the question number 61 to 90. I'll be discussing these questions over here. Okay, so let's start with the question number 61. ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स इज अ केमिकल प्रेजेंट इन आर स्टमक एंड नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड व्हेन एक्स इज क्रिएटेड इन एक्सेस द हेल्थ प्रॉब्लम कॉज व्हिच लाइक द इंडाइजेशन एंड वाई इज अ केमिकल व्हिच इज़ यूज्ड टू ट्रीट दिस प्रॉब्लम सो व्हाट कुड बी द एक्स एंड वाई देखिए हमें सिंपल पता है हमारे जो स्टमक में एसिड रिलीज होता है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड उसको जो हम ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो इस यहाँ से देखिए हमें अगर बहुत आराम से ये छोटा एक हम बहुत इजी सिंपल हमें पता होता है कि हम जो यूज करते हैं अगर हम सिक्स क्लास ऑनवर्ड पढ़ते आते हैं कि वहां पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जो हम यूज करते हैं एंटीस्टिड की तरह तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में रिलीज होता है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन विच बैक्टीरिया इज नॉट यूज काइंडली मेक श्योर दे आर आस्किंग अबाउट द बैक्टीरियाज नॉट यूज सो बैक्टीरिया इज नॉट यूज फॉरमेशन ऑफ में बैक्टीरिया यूज होता है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन में यूज होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होता है बेकिंग ऑफ ब्रेड में कहीं पे भी हम सोचते नहीं कि बैक्टीरिया यूज होता है बिकॉज वहां पे हम टेम्परेचर दे रहे हैं बैक्टीरिया या तो खत्म हो जाएगा या वहां पे वो इनएक्टिव हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम द फ्रॉम द रेस्ट ओके सो यहाँ पे हमें चार पांच ऑप्शन दे रखे हैं हमें देखना कि इसमें से कौन सा डिफरेंट है डिफोरेस्टेशन डेस्ट्रिफिकेशन इरोजन और कंजर्वेशन देखिए अगर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा हम तो सिंपल बता सकते हैं यहाँ से कि कौन सा डिफरेंट है डिफोरेस्टेशन सिंपल है कि पेड़ों को खत्म करो डेस्ट्रिफिकेशन मतलब जो हमारी डेजर्ट बनती जा रही है धरती इरोजन मतलब जो सॉइल का इरोजन हो रहा है तो देखिए ये तीनों तो चीजें क्या हैं किसी भी चीज को खत्म करने वाली चीजें हैं तो कंजर्वेशन क्या है तो ये डिफरेंट है तो कंजर्वेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट वी हैव टू चेक आउट द विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट सो काइंडली मेक श्योर मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि आपको ध्यान रखना कि आपको करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है नॉट करेक्ट पूछा है वो चीजों पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान है क्वेश्चन वहीं से गलत हो जाता है सो डाइजेशन इज केमिकल चेंज फोटोसिंथेसिस इज केमिकल चेंज रेस्पिरेशन इज केमिकल चेंज ऑब्वियसली बात है क्रिस्टलाइजेशन इज केमिकल चेंज हाउ इट कड बी पॉसिबल क्रिस्टलाइजेशन केमिकल चेंज नहीं है वो एक चेंज इन द स्टेट है प्रोसेस है तो वो केमिकल चेंज नहीं हम उसको बोलेंगे ओके सो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव

आपके पास ऑप्शन बन गया सेकंड और फोर्थ जहां पे आपके पास ये है अब आपको ग्रेवल सैंड और सिल्ट को लगाना है ऑर्डर में तो क्ले के बाद सिल्ट आएगा देन सैंड सैंड तो साइज तो बड़ा होता है देन ग्रेवल तो हमारे पास जो बजरी होती है वो और रॉक का साइज उससे बड़ा होता है तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स में हम आ जाते हैं द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश इज टू फंक्शन जो गिल्स होते हैं फिश में उनका क्या फंक्शन होता है देयर फंक्शन इज टू टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर नो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना है no. नो पानी में न्यूट्रिएंट्स तो उनके लिए सिर्फ ऑक्सीजन होती है Excrete excrete waste into water. No, absorb dissolves oxygen, yes. This is the function of the gills. Absorb dissolved oxygen from the blood. Question number has 67. Which of the following can be used to complete an electrical circuit if one runs out of the connecting wire? This question is repeated from the July 2019 seated paper. So this question was uh, uh, like earlier asked about this question, and they have given the one. लाइफ एग्जाम्पल रियल लाइफ एग्जाम्पल दैट वन स्टूडेंट इज डूइंग सच काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ही रन शॉर्ट ऑफ वायर सो हाउ इट कुड बी पॉसिबल सो दैट ही कैन कम्पलीट द सर्किट सो देखिए यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं पेपर स्टिप यूज करेंगे ऑब्वियसली बात करंट नहीं पास करेगा रबर बेल्ट यूज करेंगे करंट नहीं पास करेगा बुडन स्टिक में से तो करंट पास करेगा ही नहीं तो वी कैन यूज द ब्लेड फॉर दिंग फॉर कम्प्लीटिंग द सर्किट ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस मंजुला इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन प्लेन मिरर देंस बिटवी हर सेल्फ एंड द मिरर इज़ फाइव सेंटीमीटर शी मूव वन मीटर टूवर्ड द मिररर द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड द हर इमेज इज नाव तो बोल रहे हैं कि मंजुला क्या कर रही है मंजुला अपना अपना खुद को शीशे में देख रही है तो जब पहली बारी वो देख रही है तो साइज फाइव फाइव मीटर है उसका और जो मिररर का है वो तो जैसे वो मिरर की तरफ को एक मीटर चली गई है तो उसके इमेज का डिस्टेंस और उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा काइंडली पहला आपको दे रखा है मिरर का डिस्टेंस तो थोड़ा सा आपको ये जो आपके पास मिरर फॉर्मूला है या लेंस फार्मूले हैं तो वो आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना पड़ेगा मिरर फॉर्मूला वाला तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा दैट इज योर एट सेंटीमीटर एंड एक बार मैंने आपको कल की वीडियो में भी कहा था कि आपको कनकेव मिरर प्लेन मिरर कन्वेक्स मिरर लेंसेज के बारे में थोड़ा सा एक बार इसको रिडक्ट करके जाना पड़ेगा टेंथ क्लास का चैप्टर है एनसीईआरटी में सिर्फ उसको उतना ही पढ़ के जाना है ओके क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन पेंडुलम ऑसिलेट थर्टी टाइम्स इन थ्री सेकेंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ओके सिंपल से बात है कि पेंडुलम तीस बार ऑसिलेट कर रहा है तीन सेकेंड में तो उसका हमें टाइम पीरियड नि निकालना है और फ्रिक्वेंसी देखनी पड़ेगी फ्रिक्वेंसी देखिए यहाँ से हमारे पास आ जाएगी टेन हर्ट्स और जो इसका टाइम पीरियड आ जाएगा वो जीरो पॉइंट वन सेकेंड बिकॉज थर्टी टाइम जा रहा है वो तीन सेकेंड्स में तो हमें पता है कि हम हमारे पास वो दस के हिसाब से हम उसकी वो निकाल लेंगे उसकी टाइम पीरियड कितना आ जाएगा तो टाइम पीरियड इज जीरो पॉइंट वन सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी इज यो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी आइडेंटीफाई द इन स्टेटमेंट काइंडली यहाँ पे अच्छे से रीड कर लेना दे आर आस्किंग अबाउट द

बॉल बियरिंग्स फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए नहीं यूज करते हैं हम वहां पे हम बॉल बियरिंग यूज करते हैं फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन पे हम आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम द जिंक सल्फेट सोल्यूशन ओके जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम द आयरन सल्फेट सोल्यूशन देखिए इसके लिए आपको जो रिएक्टिविटी सीरीज है मैं आपको बोलूंगी कि रिएक्टिविटी सीरीज को एक बार पढ़ के जाना आपको किसी भी टेंथ क्लास की बुक उठाओगे आपको वहां मिल जाएगी रिएक्टिविटी सीरीज की कौन सी मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकती है किसको रिप्लेस कर सकती है तो अब देखिए यहाँ पे हम आयरन और जिंक की रिएक्शन बात बात कर रहे हैं कि कौन सी मेटल यहाँ पे हमें पहले तो है कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास आयरन कैन रिप्लेस जिंक आयरन तो नहीं रिस्प्लेस कर सकती क्योंकि आयरन एक्टिविटी सीरीज में नीचे आती है जिंक ऊपर आती है तो जिंक का पोजिशन कुछ यहाँ पे और आयरन की पोजिशन कुछ यहाँ पे तो जिंक तो नहीं रिप्लेस कर पाएगी ठीक है नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यस जिंक और कॉपर सल्फेट आराम से रिस्प्लेस कर सकते हैं जिंक ईजिली रिप्लेस कर सकती है कॉपर को एंड कॉपर कैन रिप्लेस आयरन नो सो यहाँ पे देखिए क्योंकि जिंक है और आयरन है तो जिंक देखिए जो हमारे पास जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से तो जिंक तो नहीं रिप्लेस कर सकती है मतलब जो जिंक आयरन है वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकती है जिंक जो है वो आयरन को रिप्लेस कर सकती है तो जिंक कॉपर को भी रिप्लेस कर सकती है बट कॉपर ना आयरन को रिप्लेस कर सकती है ना जिंक को रिप्लेस कर सकती है तो इसलिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ी पढ़नी पड़ेगी उससे आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज तो इसका जो ऑप्शन सही है वो आपके पास बी ऑप्शन है दैट इज द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर सेवेंटी वन का सेकेंड ऑप्शन आपका सही है अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू पे सो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द अमंग ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है हमें ध्यान रखना यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ये आपके पास क्लिनिकल थर्मोमीटर ये देखिए क्वेश्चन आपके पास मगर मतलब मैं आपको बात करूँ तो ये सेवंथ क्लास की एनसीआर का क्वेश्चन है सेवंथ क्लास की एनसीआरटी ठीक है सो so, यहाँ पे क्लिनिकल थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग नो क्लिनिकल थर्मामीटर तो नहीं हम यूज कर सकते ठीक uh, uh, okay, uh, है और रूम रूम थर्मामीटर्स हैव अ रेंज ऑफ थर्टी टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ओके लेबोरेटरी थर्मामीटर्स हैव अ रेंज ऑफ थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस टू फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस देन हमारे पास सेकेंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास है रेंज ऑफ ए द क्लिनिकल थर्मामीटर यस देखिए लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज तो हंड्रेड से भी ऊपर होती है तो ये तो हमारे पास गलत आ गया रूम टेम्परेचर की रेंज इतनी होती है नहीं तो हम अगर टेम्परेचर थर्टी से कम है तो हम टेम्परेचर कैसे देखते हैं हमारी जो रिएक्शन टू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस पे होती हैं तो वो हम कैसे देखते हैं तो फर्स्ट थ्री ऑप्शन आर रॉन्ग एंड फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर सो आंसर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर सो नेक्स्ट नेक्स्ट वीजा सेवेंटी थ्री क्वेश्चन आइडेंटिफाई द इन करेक्ट स्टेटमेंट इन करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है ओके जो कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ कैरोसिन इज मोर देन दैट ऑफ कोल क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ कोल इज मोर देन दैट ऑफ वुड कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज मोर देन एल पी जी कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ सी एन जी इज मोर देन दैट ऑफ डीजल अगर मैं आपको बताऊँ तो ये एट्थ क्लास की एन सी आर टी अगर आप उठाओ एट्थ क्लास की तो आपको वहाँ पे ये चैप्टर पेट्रोलियम्स वाला चैप्टर है उसमें आपको प्रॉपरली तरीके से एक टेबल बना हुआ है कि वहां पे कौन से मटेरियल की कितनी कैलोरीफिक वैल्यू वहां से आपको मिल जाएगा तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कैरोन इज मोर देन दैट ऑफ कोल हमें पूछा गया है ध्यान रखना यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है करेक्ट स्टेटमेंट नहीं इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कैरोसिन की मोर देन दैट ऑफ कोल हाँ ऑब्वियसली बात ज्यादा ही होती है कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ कोल इज मोर देन दैट ऑफ वुड यस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाउ इट पॉसिबल एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है बायोगैस की कम होती है सो so तो, तो हमारे पास जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास थर्ड ऑप्शन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज मोर देन दैट ऑफ एलपीजी सेवेंटी फोर्थ क्वेश्चन किलोमीटर पर आर फॉर ट्वेल्व मिनट्स एंड देन एट ए स्पीड ऑफ फोर्टी किलोमीटर पर आर फॉर नेक्स्ट एटीन मिनट्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द बस ड्यूरिंग दिस टाइम इज देखिए यहाँ पे हमारे पास वो बोल रहा है कि सिंपल सी बात है कि पहले हम फर्स्ट इसकी स्पीड निकाल इसका हाँ टोटल डिस्टेंस फर्स्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे देन सेकंड डिस्टेंस निकाल लेंगे देन एवरेज हम इसकी कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका जो सेकंड जॉब का करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज योर ट्वेंटी टू ऑप्शन ओके सो यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं सेवनटी फाइव पे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग ऑफ द फॉलोइंग द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज पीरियोडिक मोशन मोशन ऑफ लाइट इज रेक्टीलिनियर मोशन मोशन ऑफ प्लब स्ट्रिंग ऑफ सितार इज ऑसिलेटरी मोशन ऑल पीरियोडिक मोशन आर सर्कुलर मोशन ओके सो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव पे हम देख लेते हैं तो हमारे पास पहले तो देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है हमें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज प्रियोडिक मोशन सही है रेक्टीलिनियर मोशन होता है मोशन इज प्लब स्ट्रिंग ऑफ स्टार इज ऑसिलेटरी क्योंकि वो ऑसिलेटी करेगा अब जैसे हम किसी भी गिटार के भी हम अगर वायर को हम हाथ से हिलाते हैं तो वो क्या करती है प्लग करते हैं उसको तो वो भी ऑसिलेट करती है तो प्रियोडिक करेक्ट आंसर सो तीनों ठीक बट इन करेक्ट इज कम टू द क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इमेज फॉर्मेशन इन ए प्लेन मिरर देखिए मैंने कल भी आपको बताया था कि ऐसा क्वेश्चन एक आया हुआ है जो जुलाई 2019 का पेपर है उसमें भी आया हुआ था कि जो कनकेव मिरर हैं कन्वैक्स मिरर हैं उनका क्वेश्चन पूछा हुआ था उसमें तो यहाँ पे देखिए आपके पास पूछा गया हुआ है अभी प्लेन मिरर का तो कि यहाँ पे जो इमेज बनाता है प्लेन मिरर, उसकी इमेज कैसी होती है तो प्लेन मिरर की इमेज हमें पता है कैसी होती है यहाँ पर हमारे पास इरेक्ट होती है एंड देन हमारे पास रियल uh, तो नहीं होती है वो दिस इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन लिटरली इन्वर्टेड होती है यस द सेम साइज़ की बनती है जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतनी ही इमेज साइज़ बनती है प्लेन मिरर की बात हो रही है ठीक है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कनकेव कन्वैक्स एंड प्लेन मिरर कैसे इमेजेस बनाते हैं सिंपल आपको ये पढ़ना है कि वो इमेज कैसे बनाते हैं इरेक्ट uh, बना रहे हैं वर्चुअल बना रहे हैं रियल बना रहे हैं इन्वर्टेड बना रहे हैं सेम साइज़ बनता है लार्ज साइज बनता है तो ये थोड़ा सा आप पढ़ के इसको जाना तो देखिए आपके पास कैसे आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन So, question number 77: Which of the following is not true with respect to the nature of science? Science is an interdisciplinary area of the learning? Yes. Science is always tentative? Yes. Science promotes spectrism? Yes. Science is equivalent to a set of facts? No. Science is not equivalent to the लाइक अ सेट ऑफ फैक्ट्स बिकॉज साइंस एक फैक्ट के ऊपर काम नहीं करती है ना सेट ऑफ फैक्ट्स के ऊपर काम करती है साइंस हमेशा ही डायनामिक है और वो हर चीज को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखते हैं सो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट ये सेम क्वेश्चन पेपर में आ चुका हुआ है जुलाई टू थाउजेंड नाइनटीन में एनसीएफ टू थाउजेंड फाइव के ऊपर ही क्वेश्चन आ चुका हुआ है सो so, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास क्वेश्चन देखिए क्या आपके पास कि एज़ पर द NCF 2005 एफ टू थाउजेंड फाइव गुड साइंस एजुकेशन शुड बी ड तो गुड साइंस एजुकेशन है हमारे पास क्या पूछा गया है कि टू टू साइंस टीचर देखिए मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि टीचर की बात सेकंड आएगी सबसे पहला हमारे बच्चा सेंट, मतलब जो भी एक लर्नर है उसके सेंटर बात होगी तो साइंस गुड साइंस एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंटर ट्रू टू द एन्रमेंट ऑफ द स्कूल टू टू द्लासरूम कल्चर किसी भी चीज़ की हर चीज़ की प्रायोरिटी कोई भी एजुकेशन पॉलिसी है कोई भी बच्चे के रिलेटेड चीज़ है देखिए आपको मैं ये ट्रिक है एक तरह की बेसिकली जो मैंने खुद भी अपनाई थी तो इसमें क्या होता है कि आपको वो चीज़ देखनी है जो बच्चे के सेंटर्ड हो आपको ना खुद एक टीचर के सेंटर देखनी है ना आपको एक आ, स्कूल, स्कूल के सेंटर देखनी है ना क्लासरूम के सेंटर देखनी है आपको इंडिविजुअल बच्चे के सेंटर चीजों को देखना है सो गुड साइंस एजुकेशन शुड बी टू टू द चाइल्ड ओके सो नेक्स्ट ऑप्शन इज सेवेंटी नाइन विच ऑफ़ द फॉलोइंग वैलिडेट्स ऑफ गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम सेटिस्फाइड बाय द एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट्स ओके सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास अगर हम बच्चे की एक्सपेरिमेंटेशन uh, के थ्रू सिखाते हैं या हम बच्चे को एक्टिविटीज uh, के थ्रू सिखाते हैं तो हमारे पास हम किस चीज को मतलब किस चीज को हम बच्चे की कौन सी जो कौन सा जो मेथड है सो हमें यूज कर सकते हैं या कौन सी हम कौन से बच्चे के एरिया के जो मेंटल उसके डेवलपमेंट है उसके कौन से एरिया को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं देखिए तो यहाँ पे कच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है देखिए कॉग्नेटिव कॉग्नेटिव भी हम कह सकते हैं हिस्टोरिकल इन्वायरमेंटल देखिए हिस्टोरिकल और इन्वायरमेंटल का हमें हमें तो मेरे हिसाब से हिस्टोरिकल और इन्वायरमेंट को देखिए दोनों हम ऑप्शन करेक्ट इन करेक्ट कर सकते हैं मतलब हमें हिस्टोरिकल हम बच्चे की एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें यहाँ पे क्या देखना है ये तो बच्चे की हम क्रिएटिव थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग की इंक्रीज कर रहे हैं या हम बच्चे का वो प्रैक्टिकल पोर्शन इंक्रीज कर रहे हैं हैंड ऑन एक्सपीरियंस वाली बात है जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है ठीक है तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज योर प्रोसेस क्वेश्चन नंबर एटीन अनु टुक हर क्लास फील्ड ट्रिप देखिए एक ऐसा क्वेश्चन फील्ड में आपको पहले बता देती हूँ क्वेश्चन कोई कोई आपको पेपर में जरूर मिलेगा ये हर साल पेपर में आता है फील्ड ट्रिप वाले क्वेश्चन कुछ ना कुछ सो एथ क्लास के बच्चों को फील्ड ट्रिप पे लेके जा रही है टीचर एंड विच यूर फॉलोइंग कुट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव फॉर द एक्टिविटी मतलब फील्ड ट्रिप पे लेके जाने का बच्चों का टीचर का रीजन क्या हो सकता है इंकरेजिंग द इंटरेक्शन अम्ग द चिल्ड्रन प्रमोट प्रोसेस ऑफ स्किल थ्रू कंक्रीट एक्सपीरियंसिस इन्हांस ऑब्जर्वेशन स्किल्स अमंग चिल्ड्रन इट ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ द क्लास एज वेल एज ऑफ द टीचर देखिए तो सिंपल सी बात है यहाँ पे हमें बच्चों के बीच में खुद के जैसे अगर बच्चे जा रहे हैं फील्ड ट्रिप तो वो एक दूसरे से बात करेंगे डिस्कशंस करेंगे तो बच्चों में इंटरेक्शन इंक्रीज होगी साइंटिफिक स्किल्स कंक्रीट एक्सपेरिमेंटल्स के थ्रू इंक्रीज़ होती हैं प्रोसेस स्किल्स लिखा हुआ है जो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने बात करी कि अगर हम बच्चों को एक्टिविटीज या एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं तो उससे बच्चे के अंदर कौन सी स्किल जो है डेवलप होती है तो दैट इज द प्रोसेस स्किल डेवलप होगी इट ऑब्जर्वेशन स्किल्स अमंग द चिल्ड्रन यस बच्चे वहां पे ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन करेंगे तो बच्चे की ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी इंक्रीज हो रही है मोनोटोनी ऑफ द क्लास एज वेल एज क्लास एज वेल एज ऑफ द टीचर देखिए मोनोटोनी तो क्लास में अगर वैसे भी रहेगी तो भी हम कोई भी क्लास जो है वो हम उसको सक्सेसफुल चाहे वो टीचर है चाहे वो क्लास है हम उसको सक्सेसफुल नहीं मान सकते हैं तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएंगे इसमें अगर हम बात करते हैं तो दैट इज ए बी एंड सी सो नेक्स्ट विद द क्वेश्चन नंबर एटी वन विच आर द फॉलोइंग शुड नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एजुकेशन एट द अपर प्राइमरी लेवल सेम क्वेश्चन टू थाउजेंड जुलाई टू थाउजेंड नाइनटीन में आ चुका हुआ है सो so, यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एटी वन चिल्ड्रन इनकल द वैल्यूज ऑफ कॉपरेशन एंड कंसर्न फॉर लाइफ कल्टीवेटिंग टेम्पर एम्फिस यहाँ पे शुड नॉट पूछा हुआ है कि एक साइंस टीचर जो है साइंस पढ़ाने का जो हम अपर प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं तो वहां पर कौन सा जो इनमें गिवन ऑब्जेक्टिव है इनमें से एक ऑब्जेक्टिव हमारा नहीं होना चाहिए देखिये साइंटिफिक टैम्पर बच्चे में डेवलप करना कॉपरेशन डेवलप करना उनकी जो नेचुरल कैरसिटी है उसको नर्चर करना ये सब एक हमारे टीचर की तरह हमारा काम होना चाहिए बट इंफेसाइजिंग द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ द कंसेप्ट दिस इज नॉट द वर्क ऑफ एनी टीचर और नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी टीचर द एनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर एटी टू इसका जो सही आंसर था वो आपके पास था ऑप्शन नंबर फोर एंड फोर्थ क्वेश्चन नंबर एटी टू Which of the following can enhance the critical thinking among the children? Asking children to read science. Uh, 82 mein hum Chalte. Hain. Asking children to read science textbook, textbook in the class uh, pe hai, can enhance Dhyan rana, can enhance hai. asking children to read the extent learning given at the end of the textbook. Yes. Asking children to discuss among themselves in the group, followed by sharing in large group. Demonstration of exper experiments by the teacher. अब वो बात कर रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इन्हांस क्रिटिकल थिंकिंग अगर हम बच्चों को बोलेंगे कि अपनी बुक पढ़ लो क्लास में खड़े होकर हम रीडिंग करवा देते हैं जो बीच में वो ब्लू बॉक्स या येलो बॉक्स दे रखे होते हैं बच्चे उनको पढ़ ले तो उनसे बच्चे की हमारी जो एक बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग इंक्रीज हो जाएगी जब तक हम बच्चे को डेमो चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे बच्चों के साथ या उनके ग्रुप्स में नहीं डिस्कस करेंगे तो जब तक डिस्कशन नहीं होगी तो हम

तो सिर्फ टीचर ही एक्सपेरिमेंट डेमोस्ट्रेट करता रहेगा तो बच्चे की स्किल्स कैसे इंप्रूव होंगे अगर हम बच्चे को बोलते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट टीचर डेमोस्ट्रेट कर रहा है अगर छोटी क्लास है और वहाँ पे बच्चा कंक्लूजन ड्रा कर रहा है ऑब्जर्वेशन देख रहा है तो भी हम उस पॉइंट को मान सकते थे बट द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हम बच्चों को डिस्कशन के लिए बोलेंगे वहाँ पे बच्चों के साथ पहले छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएंगे फिर बड़े ग्रुप में अगर डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट भी पैदा होगा और वहाँ पे उनकी जो थिंकिंग है वो भी डेवलप होगी सो नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर एटी थ्री टीचर बीइंग द क्लास बाय डेमोस्ट्रेटिंग द केमिकल टेस्ट ऑफ स्टार्च इन गिवन सैंपल ऑफ फूड द कोगनेटिव प्रोसेस एसोसिएट विद द लाइन वर्ड इन द दवाव स्टेटमेंट ओके सो यहाँ पे देखें अगर हम तो बात कर रहे हैं कि टीचर ने एक जो फूड सैंपल था उसका स्टार्च टेस्ट किया ठीक है तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कौन सा कोगनेटिव प्रोसेस है जो बच्चे की डेवलप हो रही है या जिसके साथ ये रिलेटेड है सो so, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ आरंभ किए गए भोजन के नमूने के मंड का रासायनिक परीक्षण प्रदर्शन करते करते है देखा संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है आ, मैं आपको यहाँ से पूरा पुलिस को समझा देती हूँ कि क्या है तो सिंपल सी बात है कि डेमोस्ट्रेशन जो वर्ड है वो किस में आता है सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि जो डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड है वो किसके साथ क्रिएटिंग के साथ जा रहा है एनालाइजिंग के साथ जा रहा है अपलाइंग के साथ जा रहा है या अंडरस्टैंडिंग के साथ जा रहा है तो यहाँ पे जब बच्चा वो डेमोस्ट्रेशन देखेगा तो बच्चा क्या करेगा वहाँ पे जो बच्चे ने पहले अगर पढ़ा होगा तो बच्चा क्या करेगा अपनी नॉलेज को वहाँ पे अप्लाई करेगा देखिए यहाँ पे हमारे पास बच्चा वहाँ पे नॉलेज नई नहीं क्रिएट करेगा अगर बच्चों को डेमोस्ट्रेशन तभी देगा टीचर जब बच्चे ने पहले पढ़ाया होगा उसको थियोरेटिकल कंसेप्ट क्लियर किया होगा तो देखिए यहाँ पे या तो बच्चा क्या करेगा एनालाइज करेगा या अप्लाई करेगा तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो मुझे सही लग रहा है जो यहाँ पे ऑप्शन जाएगा दैट इज बी योर अप्लाइंग क्योंकि बच्चा यहाँ पे अपनी नॉलेज को अप्लाई करेगा जो उसने पढ़ा हुआ होगा सो द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर एंड द एटी फोर्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल नॉट प्रोवाइड फॉर एक्टिव लर्निंग अमंग चिल्ड्रंस सो यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है विल नॉट सो यहाँ पे हम देख लेते हैं ओके एस्टेब्लिशिंग साइंस क्लब ये तो इम्प्रूव करते हैं ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप ये भी करेंगे अ साइंस कॉर्नर ये इससे भी बच्चों के अंदर एक करियोसिटी और एक लर्निंग पार्टिसिपेशन इंप्रूव होगी लिसनिंग टू द लेक्चर इन ए क्लास कभी भी नहीं क्योंकि टीचर अभी क्लास में अपना कोई लेक्चर सिर्फ लेक्चर ही मोड चल रहा है तो लेक्चर मोड से बच्चा कभी नहीं सीखेगा ना बच्चे की एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी उसके अंदर सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर एटी फाइव पे विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर फाइंडिंग द लर्निंग गैप्स ऑफ लर्नर इन साइंस तो लर्निंग गैप हमें फाइंड करने के लिए हम कौन सी जो मेथड है इसको यूज़ कर सकते हैं हम कंसेप्ट मैप ऑब्वियसली बातें यूज़ कर सकते हैं रिकॉर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं पोर्टफोलियो हम यूज़ कर सकते हैं टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट को तो हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज हमें बच्चे का लर्निंग गैप देखना है वहाँ पे बच्चा जसपोज हमने चार चैप्टर दिए हैं बच्चा तीन चैप्टर करके भी अच्छे अपने रिजल्ट ला सकता है बट हमें जो वो फोर्थ चैप्टर है उसके अंदर कैसी बच्चा परफॉर्म कर रहा है तो उसका हमें चेक करने के लिए हम ये तीन जो टेक्निक्स हैं उनको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं सो क्वेश्चन नंबर द फॉलोइंग टूल इज बेस्ड ऑन द टेक्निक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन सो यहाँ पे कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं फॉर द ऑब्जर्वेशन कौन सा जो तो टूल है हम यूज कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए तो ठीक है तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या है ओरल टेस्ट रिटर्न टेस्ट पेपर पेंसिल टेस्ट एंड रिकॉर्ड्स सो अचीवमेंट टेक्निक टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन तो देखिए ओरल टेस्ट में बच्चा हमें सुनाएगा वो लर्न करके मेमोराइज करेगा रिटर्न टेस्ट में बच्चा पेपर पेंसिल टेस्ट में बच्चा वहाँ पे वो क्या करेगा ओरल टेस्ट हमें वो मेमोराइज करी हुई चीज़ें बताएगा रिकॉल करेगा बट इंस्टीट्यूट रिकॉर्ड्स में हम बच्चे का जो बच्चे का खुद की क्रिएटिव क्रिएटिविटी है वो हम पता लगा सकते हैं तो दिस इज द टूल विच कैन बी यूज ओके क्वेश्चन नंबर है एट्टी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट पश्मीना शॉल इज मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ गॉड अंगोरा इज अ टाइप ऑफ वूल द रैबिट कैमल वूल इज टू मेक कार्पेट पश्मीना वूल इज ऑफटेन फ्रॉम रैबिट ये आपके पास क्वेश्चन मिलेगा आपको सिक्स क्लास की एन में ये आपको वहां पे टाइप्स ऑफ वूल्स एंड विद उनके सोर्सेज क्या है वो सब आपको वहां दे रखा हुआ तो 6th क्लास की एनसीआरटी में ये गिवन है देखिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं सेवन्थ में मिल जाएगा सिक्स में और सेवन दोनों क्लासेस में मिल जाएगा देखिए तो यहाँ पे हम एटी सेवन क्वेश्चन पे देखते हैं यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो पश्मीना शॉल है वो किससे बनी हुई होती है पश्मीना शॉल इज मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ गॉट अंगोरा इज अ टाइप ऑफ वूल दैट इज ऑफेंड अंगोरा हमारे पता है कि अंगोरा क्या होती है अंगोरा हमारे पास एक जो गोट है उसका हमें मिलता है रैबिट का नहीं है कैमल वूल इज़ यूज टू मेक कारपेट्स पशमीना वॉल वूल इज़ ऑब्टेंड फ्राम द रेबिड रैबिड से तो नहीं मिलती है पशमी पशमी तो हमें गॉड से मिलती है सो so, यहाँ पर हमें पूछा हुआ है करेक्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट स्टेट में अगर हम बात करते हो तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है एंड ए एंड सी इज़ करेक्ट है तो एटी सेवन का हमें ऑप्शन नंबर ए और उसके बाद हम आ जाते हैं एटी एट पर एटी एट पे आइडेंटिफाई द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फीचर लिस्टेड बिलो तो लॉन्ग बैक बोन मैनी लूप्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड देखिए बॉडी कर्व इंटू मैनी अब देखिए यहाँ से मैं आपको ट्रिक बताऊँ आंसर निकालने की यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास लॉन्ग बैक बोन है उसकी मसल्स बहुत ज्यादा हैं, बॉडी कर्व इनटू मेनी लूप्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड लॉन्ग बैक बोन से हमें आइडिया लग जाता है कि क्या हो सकता है देखिए स्नेल तो नहीं होगा हुक वार्म भी नहीं होगा अर्थवॉर्म और स्नेक में आ जाते हैं ठीक है मैनी मसल्स तो स्नेक जो अर्थवॉर्म है उसकी बॉडी इतनी कर्व नहीं होती है ठीक है मैनी लूप लिखा हुआ है वो तो सिर्फ एक दो लूप्स ही लेता है अर्थवॉम में तो वो भी गलत यहाँ से आंसर आ गया स्नेक ओके विच ऑफ द फॉलोइंग नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू नॉट ट्रू पूछा है तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस ऑल आर्टरीज़ कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू द अदर पार्ट आर्टरीज हैव थिक वॉल्स आर्टरीज हैव इलास्टिक बॉल्स ओके ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड पहले तो देखिए यहाँ पूछा है नॉट ट्रू सारी आर्टरीज पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरीज़ के बारे में अगर हमने पढ़ा हो तो हमें पता होगा कि जो हमारी एक पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स हैं उन दोनों का काम डिफरेंट होता है तो सारी आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं कैरी करती हैं तो ये अगर आप अच्छे से पढ़ो तो आपको सेवन्थ क्लास की बुक में भी मिल जाएगा सेवन्थ एन सी आर टी में और या आप टेंथ की एनसीईआरटी पढ़ लो अच्छे से एक बार जो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है तो वहां से आपको मिल जाएगा तो नॉट ट्रू पूछा है ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड ऐसा नहीं हो सकता है देखिए मुझे तो सेकेंड ऑप्शन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स ठीक है तो यहाँ पे जब हमारे पास क्योंकि जब हम बात करते हैं कि डी ऑक्सीडेटेड ब्लड जाता है लंग्स में ऑक्सीडेट होने के लिए वापिस आके वो हार्ट में पंप होता है तो वहां पे भी हमारे पास जो पाल्मनरी आर्टरी है वो लेके जाती जो लेके जाती है डी ऑक्सीडेटेड ब्लड को तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुझे फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन दोनों में दोनों ही प्रॉब्लमेटिक हैं तो यहाँ पे जो उन्होंने आंसर दे रखा हुआ है जो आपका सी की तरफ से आंसर जो डिस्कशन में है सो दैट इज द योर फर्स्ट आंसर ऑल आइटरीज कैरी ऑक्शन विच ब्लड अभी मुझे जो लगता है कि इसमें दोनों ऑप्शन ही थोड़े से इसमें दोनों ही ऑप्शन में बिकॉज हम बात कर रहे हैं कि ऑल आइटरीज नहीं यहाँ हो सकता है ना फिर सो यहाँ पे फर्स्ट आंसर है उनके अकॉर्डिंग विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग ऑर्डर ओके सो एस टी के सिड लैक्टिक एसिड ऑक्जालिक एसिडिक एसिड बताया है कि वो कौन सा जो एसिड है वो कौन से कंपाउंड में प्रेजेंट होता है ठीक है लैक्टिक एसिड हमें पता है कहाँ प्रेजेंट होता है सो लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड सबसे पहले तो यहाँ चल जाते हैं अब देखते हैं कि बी के साथ वन कहाँ पे जा रहा है हमें बाकी ऑप्शन नहीं देखने हैं हमें सिर्फ इतना पता है suppose, कि लैक्टिक एसिड कर्ड में प्रेजेंट है अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में कहाँ जा रहा है बी के साथ वन देखिए हम मैंने बाकी कोई ऑप्शन नहीं पढ़ा बाकी मुझे अगर आते हैं नहीं आते हैं वो अलग बात है मैंने यहीं से पता लगा लिया कि मुझे एक पता था तो मैंने वहीं से आंसर ढूंढ लिया दैट इज़ ऑप्शन नंबर थ्री सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर सो दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कंप्लीट डिस्कशन फॉर द साइंस पार्ट फॉर द सी बी एस ई सी टेट टू थाउजेंड नाइनटीन दिसम्बर सो इन द नेक्स्ट वीडियोज़ आई विल बी डिस्कसिंग द अदर पार्ट्स काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियो थैंक यू